हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप सभी काफी टाइम से WWE देखते चले आ रहे होंगे, इस दौरान आपने काफी सारे PPV देखे होंगे, जिसमें काफी टाइटल मैचेस भी देखे होंगे। जनरली होता यह है कि कोई अगर अपना टाइटल हार जाता है तो उसको दोबारा उस टाइटल को हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि हारे हुए सुपरस्टार को रीमैच नेक्स्ट एपिसोड या कुछ टाइम बाद मिलता है। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि WWE में ऐसा हुआ है कि एक ही रात में कोई सुपरस्टार दो बार चैंपियन बना और एक बार उस टाइटल को हारा है, वो भी सेम PPV में, सेम नाइट में। वहीं इसी रात में कोई सुपरस्टार न्यू चैंपियन बना और उसी रात वो उस टाइटल को हार गया था, तो आप लोग थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे, बट ऐसा हुआ है। वहीं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि WWE में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि कोई सुपरस्टार अपना टाइटल हार गया, बट उस मैच को दोबारा रीस्टार्ट कर दिया गया तो वो फिर से अपना टाइटल जीतने में सक्सेसफुल हुआ। बट ये इससे हटकर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लाइक करे बिना कहीं मत जाइएगा। इस वीडियो पे लाइक का एम रखता हूँ 5555 लाइक का। मुझे भरोसा है आप लोग कर सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, किसी सुपरस्टार को किसी रात चैंपियन बनते, वहीं उसके नेक्स्ट डे वो उस टाइटल को हार गया हो। ये काफी बार WWE में हुआ है। कोई PPV में टाइटल जीतता है और नेक्स्ट एपिसोड में हार जाता है, जो कि काफी नॉर्मल है। बट ये बात साल 2007 की है। उस टाइम रैंडी ऑर्टन वर्सेज जॉन सीना के बीच एक तगड़ी फ्यूड चल रही थी और WWE चैंपियनशिप के लिए इन दोनों के बीच नो मर्सी 2007 में मैच अनाउंस हो चुका था। बट इस PPV से 6 दिन पहले जॉन सीना इंजर्ड हो गए थे और वो इस PPV को मिस करने वाले थे। ये इंजरी उनकी लॉन्ग टाइम इंजरी थी और जॉन सीना ने जाने से पहले अपना WWE चैंपियनशिप टाइटल छोड़ दिया था। वैसे तरीका ये कहता है कि WWE को या विंस मैकमैन को इसके लिए कोई टूर्नामेंट रखना चाहिए था, बट विंस मैकमैन ने ऐसा नहीं किया। नो मर्सी 2007 की रात ओपनिंग सेगमेंट में विंस मैकमैन जनरल मैनेजर विलियम रीगल के साथ रिंग में आए और सबके सामने न्यू WWE चैंपियन के रूप में रैंडी ऑर्टन का नाम अनाउंस कर दिया था। तभी रैंडी ऑर्टन न्यू WWE चैंपियन बन गए थे। अब विलियम रीगल ने कहा कि रैंडी ऑर्टन, तुम अपना टाइटल आज रात किसके खिलाफ डिफेंड करना चाहोगे? रैंडी ऑर्टन ने कहा कि मैं अपना टाइटल जॉन सीना के खिलाफ डिफेंड करना चाहता हूं, बट वो इंजर्ड हैं और मैं उसके खिलाफ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच लड़ना चाहता हूं, बट अफसोस की बात है क्योंकि जॉन सीना नहीं है तो आज की रात मैं अपना टाइटल डिफेंड नहीं करने वाला हूं। तभी एंट्री होती है ट्रिपल एच की और उन्होंने आके रैंडी ऑर्टन को चैलेंज करा और मैच के लिए कहा। इस मैच को परमिशन दे दी गई और इनके बीच मैच शुरू हुआ। ये नो मर्सी 2007 का दूसरा मैच था। ये मैच करीब 11 मिनट तक चला था और यहाँ ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया था और वो बन गए थे न्यू WWE चैंपियन। सब शॉक थे। तो यही था पहला इंसिडेंट, रैंडी ऑर्टन चैंपियन बने बट कुछ ही देर में वो उस टाइटल को हार गए थे और ट्रिपल एच न्यू WWE चैंपियन उसी रात बने थे। बट इसके बाद इस PPV में 2 मैचेस और लड़े गए और उसके बाद फिर ट्रिपल एच वर्सेस उमागा के बीच WWE चैंपियनशिप को लेके मैच दिखा, जहां ट्रिपल एच ने अपना टाइटल सक्सेसफुली बचा लिया था। इस मैच के बाद 3 मैचेस और हुए और इस PPV के मेन इवेंट में ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच रीमैच कराया गया, वो भी WWE चैंपियनशिप के लिए। ये विंस मैकमैन के कंट्रोवर्शियल दिमाग की उपज कह लो या उनके दिमाग की तिकड़म कह लो, ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए था और ये मुकाबला करीब 20 मिनट तक चला था। काफी अच्छा मैच था इन दोनों के बीच और काफी खून खच्चर इस मैच में देखने को मिला था। इस मैच में सभी को चौंकाते हुए रैंडी ऑर्टन ने जीत लिया था मुकाबला, जो कि वाकई शॉकिंग था। साल 2007 के नो मर्सी PPV में रैंडी ऑर्टन 2 बार चैंपियन बने और 1 बार वो उस टाइटल को हारे थे। एक बार तो PPV शुरू होते ही विंस मैकमैन ने उन्हें टाइटल दिया था, दूसरा मेन इवेंट में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जीत कर उन्होंने वापस टाइटल को हासिल कर लिया था। वहीं इस PPV में ट्रिपल एच ने कमाल कर दिया था, एक ही रात में 3 बड़े मैचेस खेले जहां वो 1 बार चैंपियन बने और उसके कुछ टाइम बाद वो उस टाइटल को हार गए थे। ऐसा WWE में पहले कभी नहीं हुआ जो रैंडी ऑर्टन के साथ हुआ था। नो मर्सी 2007 में कुछ अलग हटके ट्रिपल एच के साथ भी हुआ था, क्योंकि वो 1 मैच में चैंपियन बने थे, वहीं दूसरे मैच में वो उस टाइटल को हार गए थे और दूसरे मैच में तो स्टिपुलेशन भी थी WWE की तरफ से। ध्यान दीजिएगा, वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि WWE में ऐसे कुछ मैचेस हुए हैं जहां हमें कोई न्यू चैंपियन बनते दिखा है, बट उसी टाइम उस मैच को फिर से शुरू कराया गया है और हारे हुए स्टार ने टाइटल वापस हासिल कर लिया है। बट ऐसा नहीं हुआ है कि जीतने के कुछ टाइम बाद फिर से न्यू मैच उस स्टार का कराया हो, वो भी सेम PPV में। तो ये था एक ही रात में सेम PPV में 2 बार चैंपियन बनने की कहानी, जिसमें इसी रात वो उस टाइटल को 1 बार हारे और इन दोनों के बीच वाकई काफी अच्छा मैच था। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, वो जरूर होगा।
वहीं WWE में कुछ साल पहले की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती थी। वहीं पहले जो PPV के नाम होते थे उस हिसाब से हमें PPV देखने को मिलते थे। नो मर्सी का मतलब होता है बिल्कुल दया नहीं। वाकई इन दोनों के मैच में एक दूसरे पर कोई दया नहीं दिख रही थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें क्योंकि एम आपको मैं बता चुका हूं आज की वीडियो में लाइक्स का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर पेडिग्री समोन ड्रॉप RKO मारकर चैनल सब्सक्राइब करें मगर प्यार से। थैंक यू।